हे गाइस, वेलकम टू हिमसिला यूट्यूब वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब कोई अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर भी मैं कोशिश की हूँ आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आज के डेट में मतलब काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, मेडिटेशन के साथ साथ आप योगासना भी कर रहे हैं, तो जो भी आपको प्रोसेस बताया गया है तो आप कृपया पूरी तरीके से फॉलो कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको 100% फुल्ली रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। जितना भी आप स्ट्रेस लेना पड़ रहा है काम को लेके, बहुत ही आप हमेशा टेंशन में रहता है, जो भी मैं आसनास आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा, तो आपको दोबारा करने के लिए शुरू मन करेगा। क्योंकि इसमें कोई भी आपको शरीर में कहीं भी आपको प्रेशर डालना नहीं पड़ रहा है, फुल्ली रिलैक्सेशन। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब शुरू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप पहले दोनों हाथ की उंगली देख लीजिए, ये ध्यान मुद्रा है। अगर आप हाथ को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, उंगली को, आपके माइंड के साथ पूरा कनेक्ट रहता है। और आप सुखासन हो या पद्मासन हो, आप अपना कंफर्टेबल के हिसाब से बैठ जाइएगा। उसके बाद आप जोर जोर से लंबे लंबे 3 बार जरूर सांस लीजिएगा, और आँखें हाथ जरूर बंद रहेगा, और अपना जो माइंड है, पूरा शरीर माइंड जो है, आपका जो केंद्र है, जिसको केंद्र बोला जाता है, मतलब जिसको हम लोग फोरहेड बोलते हैं, वहाँ पर आपके जो ध्यान है उसे में रहिएगा। पूरा माइंड शरीर कनेक्ट कर लीजिएगा, आपका माइंड को चंचल नहीं करना है, और अपना माइंड को ऐसा एक जगह पे कनेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा मिलता है, अच्छा मतलब रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि कहीं पहाड़ नेचर के पास, या आप एक समंदर के किनारे बैठे हैं अकेले, इस टाइप की जगह पे आप अपना माइंड को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना शरीर को पूरा रिलैक्स होके, यानी कि पूरा शरीर को धीरे से, जैसे आप देख पा रहे हैं, आप जब आंखें बंद करके पूरा रिलैक्सेशन, आप पूरा रिलैक्स होके, अगर आप अपना सिर को ऐसे आप अगर मूवमेंट करेंगे राइट से लेफ्ट, उसके बाद आप धीरे से जितना हो पा रहे स्लोली आप अपना जो सर है जितना स्लो हो पा रहे है, आपको फील नहीं होना चाहिए, आप अपना सर को राइट लेफ्ट राइट कर रहे हैं। आप फुल्ली रिलैक्स होके सस अपना सर को जितना स्लो हो पा रहे हैं सस धीरे से अपना सर को हिलाएगा, लेफ्ट राइट करके। इसमें आपका मेडिटेशन भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आपकी जैसे कि गर्दन में किसी का दर्द है, अगर ठंडे के वजह से हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर आपका उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा। और आपकी अगर फिजिकली ऐसा कुछ प्रॉब्लम है गर्दन में दर्द होना, तो ये आसना ज़रूर आपको करना चाहिए। आपका आप जब प्रैक्टिकली कीजिएगा तो ज़रूर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जितना हो पा रहे हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये मूवमेंट आप लोगों को 3 बार दिखाई हो, और मैं दोबारा कह रही हूँ, माइंड को पूरा रिलैक्स्ड होके करना है। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगा। अभी आपकी जो मूवमेंट है ये ज़रूर चेंजेस होगा।
अभी आप दूसरा मूवमेंट में कोशिश कीजिएगा। आप सब प्रैक्टिकली प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ये कम्प्लीटली आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप अपना सर हिला रहे, पूरा सस ध्यान रहेगा आपकी, आपका सर हल्का सा हिल रहे है लेकिन हिल नहीं होगा, आप सर को अच्छा से हिला रहे हैं। अभी आप सर को ऊपर की ओर लेके जाइएगा, और हाँ, आप जब सर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं इस टाइम आप लंबे सांस लीजिएगा। उसके बाद आप जब स्लोली डाउन कर रहे हैं तो आप सांसें छोड़ दीजिएगा। अगेन इनहेल करते हुए सर को ऊपर की ओर लेके जाइएगा। जितना हो पा रहे हैं स्लोली, और ये आप जितना देर कर सकते हैं, जितना देर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। 7 times, 10 times। अगेन नीचे की ओर एक्सेल करते हुए सर को स्लोली अगेन इनहेल करते हुए सर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अगेन एक्सेल करते हुए सर को नीचे की ओर लेके आएंगे। आप ऐसा करके 10 बार करने के लिए कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो फिर भी 3 बार या 5 बार करने के लिए कोशिश कीजिएगा। अभी आपकी सर की जो मूवमेंट है बिल्कुल चेंजेस करना है। अभी स्लोली इनहेल करते हुए सर को धीरे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अभी एक्सेल करते हुए नीचे की ओर सर को स्लोली डाउन कर देंगे। अगेन आप इनहेल करते हुए ऊपर की ओर सर को लेके जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है और थोड़ा सा हल्का सा पेन हो सकता है। अगेन एक्सेल करते हुए नीचे की ओर, अगेन इनहेल करते हुए सर को ऊपर की ओर स्लोली धीरे से सर को घुमाएंगे। अगेन एक्सेल करते हुए नीचे की। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे करके 3 मूवमेंट जरूर कीजिएगा, और कब इनहेल करना है एक्सेल करना है जरूर आपको बताया गया है, और इसी तरीके से आप कोशिश करेंगे। आई होप आपको जरूर 100% रिलैक्सेशन मिलेगा। मॉर्निंग का टाइम हो या शाम के टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, और जरूर आप माइंड को रिलैक्स होके कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये आपका पूरा माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।